सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा धनबाद की टीम ने गुरुवार को गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम के ठेकेदार से 5% कमीशन के नाम पर घूस लेने के आरोप में बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता विभास चंद्र पॉल और उसके सहायक विक्रम कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक जेई फरार होने में सफल रहा। फिलहाल फरार हुए जेई के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। एसीबी की यह कार्रवाई गुरुवार को उस वक्त हुई जब पदाधिकारी और कर्मी शहर के डाडीडी स्थित पावर सब स्टेशन परिसर में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में काम निपटा रहे थे। इसी दौरान एसीबी धनबाद के डीएसपी समीर तिर्की और एसआई केएन सिंह समेत एसीबी के जवान कार्यालय में घुसे और कार्रवाई शुरू की। मौके पर ठेकेदार साबिर से अधीक्षण अभियंता विभास चंद्र पॉल और उनके सहायक विक्रम कुमार को 14,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। पावर सब स्टेशन के मेन गेट को बंद कर दिया गया। यहां तक कि कार्रवाई के दौरान कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मियों को बाहर जाने से भी रोक दी गई। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम अधीक्षण अभियंता और उनके सहायक को उनके आवास ले गई, जहाँ दोनों के आवास की भी तलाशी ली गई। अधीक्षण अभियंता विभास चंद पॉल के बरगंडा स्थित किराए के आवास से 18 लाख रुपये नकद ही मिले। सहायक के मकतपुर के डॉक्टर्स लाइन स्थित आवास के खंगालने की बातें कही जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर के भंडारीडी स्थित बिजली विभाग के ठेकेदार साबिर ने धनबाद एसीबी की टीम के पदाधिकारियों से शिकायत की थी कि कुछ बिजली के मीटर बदलने को लेकर ठेकेदार ने इसके भुगतान के नाम पर ही अधीक्षण अभियंता ने जेई और अपने सहायक विक्रम कुमार सिन्हा के माध्यम से 5% कमीशन के रूप में 14,000 की डिमांड की थी। गुरुवार को 5% कमीशन देने का वक्त निर्धारित था, लिहाजा तय दिन में जब ठेकेदार कमीशन देने पहुंचा और तीनों को नकद देने लगा तो एसीबी के पदाधिकारी व जवानों तीनों को रंगे हाथ धर दबोचा। इस दौरान एसीबी को चकमा देकर जेई फरार होने में सफल रहा। वहीं दोनों आरोपी अधीक्षण अभियंता और सहायक को कार्यालय से गिरफ्तार कर उनके आवास ले गई। गिरिडीह से नवाज की रिपोर्ट।